बिसमरिम्स अल्लाम नाजी में तारिक इसम सागर आपके नाजीन का नाम मुझे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना के कामों में ना पीछे रह जाती हैं लेकिन आ, ये इसका मिजाज अजीब अगरीब है पाकिस्तानी सहाफ़त का कि यहाँ साफ़ी उसको समझा जाता है जो आपको पहले से कोई ख़बर दे दे चाहे अटे सट्टे से दे चाहे गलत दे चाहे सही दबा पहले ख़बर देनी चाहिए और ऐसी बेउदा कस्म की बात करनी चाहिए जिसका कोई सर प्यार ही ना हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दायमी हमारी हैं मसला क्याम पाकिस्तान से के केजमरमा की मौत से उनकी वो जो थी एम्बुलेंस उसका पेट्रोल ख़त्म होने से मोहतरमा फातमा जना की मौत तक और लियात अली ख़ान से आज तक अगर थोड़ा सा जो बहुत ही क्रूशल पीरियड है वो है सेवनटीज और सेवनटी वन का इसमें खसूसा बिलखसूस अगर तला तो साजिश केस कि ये साजिश किस तरह अमेरिका ने ईस्ट पाकिस्तान में करवाई भारत की मदद से और फिर हमारे मामू जान बन गए हमें बेवकूफ़ बनाया और हम बन गए और हैरत की बात यह है नवाबजादा नसूल्ला खान जैसे इतने दानश्वर यानी ये समझिए कि कांग्रेस से ले कर तो क्या पाकिस्तान के बाद सेवनटी एटीज़ तक की सियासत में लीडर सियासदान भले उनकी पार्टी में पचास से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे लेकिन सियासत में लीड उनको दी जाती थी आ, वो नगोशिएशन के मास्टर थे उन्होंने नौ जमातों को उस जमाने की जो मजबूत तरीन अपोज़िशन की जमात से साथ मिला के इसको मुजीबर रहमान को बरी करवाया था अगर तरह साजिश केस से और निश्त रखी थी जन यू खान के बाद कि जब तक आप ये केस ख़त्म नहीं करेंगे ये नेवी का बगावत का केस था ईस्ट पाकिस्तान में इस पाकिस्तान के फौजी अफसर इसमें शामिल थे और पूरा ये केस पकड़ा गया था उनके कांटेक्ट पकड़े गए थे उनके सबूत थे मौजूद लेकिन हमने कोई तहकीकात नहीं की उसके बाद फिर आइए सेवेंटीज़ के बाद जनरल ये किताब हमारे सामने आई ए किताब तो बहुत देर बाद आई सबसे पहले मैंने इंडिया टुडे में छपी थी ये जोह मदमान कमीशन रिपोर्ट है तो मैंने जो किताब लिखी थी की पाकिस्तान पे आखिरी सिग्नल की कहानी वो आप भी मार्केट में मेरा ख्याल मौजूद होगी शायद कुछ कापियाँ हों मैं मेरा ख़्याल अब तो शायद मुश्किल ही मिले बरह मेरे पास है आ, वो थी हमूरमान कमीशन उसमें मैंने बोल पूरी वो उसकी फो करके उसकी ट्रेसिंग करवा के जो इंडिया टुडे में छपा था छपी थी रिपोर्ट वो शायद की और जो किताबें उस दौर में हेनरी कसेंजर से लेके के तो वो जो थी आखिरी वो जो बड़ी मशहूर थी ब्रिटिश जर्नलिस्ट जिसने बुटो से इंटरव्यू भी किया था उन तक ब्रेकिंग थ्रू द कर्फ्यू तक सब किताबों की तलखीस मैं उस ज़माने में मैं चूंकि डाइजेस्टों में लिखता था तो हर मुझे बहुत शौक़ था अंग्रेज़ी किताबों की तरखीज़ करने का ये सारा भी मैंने उसमें शामिल किया था ताकि आपको तमाम तरह के नुक़ नज़र पढ़ने को मिले और आप ख़ुद इसका फैसला कर सकें कि मशरक़ पाकिस्तान की शिक्ष क्यों हुई थी ये मेरी लगी बंदी राय तबियत थी आज भी है कि वो जो हमूदरमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान ने शाया की है मैं नहीं समझता कि वह हंड्रेड परसेंट सही है मैं नहीं कहता वो हंड्रेड परसेंट ग़लत है लेकिन जिन हालात में वो रिपोर्ट शाया हुई है वो हालात ये इतने मशकूक थे कि उनमें ये मुमकिन नहीं था कि खैर जानबदारी से कोई बात की जा सके मसला उन दो उस दौर में एक साजिश के तहत फ़ौज के ख़िलाफ़ शद नफरत पैदा की गई थी ये जो विटनेसेस टू तो सरेंडर है ये भी भुट्टो साहब ने इसलिए उस ज़माने में बड़ी इसकी शाया करवाई थी या कुछ अफसदी साल साहब अल्लाह को प्यारे हो गया मैं क्या अर्ज़ करूँ बहरा जो ज़बान उन्होंने उसमें इस्तेमाल की थी एक मातहत तो अफसर होते हुए पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ही जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही मतनाज़ा हैं लेकिन मतनाज़ा इसलिए हैं कभी हमने इस हवाले से सोचने की कोशिश ही नहीं की हमारे मुल्क में ऐसा रवाज ही नहीं है हमारे मुल्क में जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं वो हमारे तो होते नहीं हैं मसल आपका क्या ख्याल है कि ये मेरे ख़्याल सवा यह के जो रोज़ाना खबर आती है इतने लोग मर गए कुछ और गए इसमें भी कोई गुमक्री ना हो तो काबिल एत नहीं है देखिए ना वो जो उनका पचास साल बाद वो जो सी आई ए अपने राज खोलती है उन्होंने वो मु अली ख़ान की मौत का का खोल दिया है वो मंतरियाम पर आ चुकी है रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि वो सी आई ए ने कत्ल करवाया था जिसे हम आज तक जिसकी गुत्थी नहीं खोल सके हमारे इरा में सबसे जो मतनाज़ शहादत है वो मिसज़ बे भुट्टो की है बेरोजी भुट्टो शहीद को आ, क्यों किया गया था शहीद मुझे हैरत होती है इस पर आठ दस किताबें तो मैं अभी आपको गिनवा सकता हूँ लिखी गई हर किताब के मुसनफ़ ने भले वो पीपल पार्टी की तरह रखता है पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ है दो बंदे रहमान मलिक और आसफ़ जरदारी को को पर इल्ज़ाम लगाया है अब आप इसको कुछ भी समझ लें कह लें लेकिन हर बंदा और आपको पता है कि ये ए आर वाई पर भी इंटरव्यू हुए बाकी भी इंटरव्यू हुए इन सब लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग में रहमान मलक को रुला दिया था और मेरे इतरा के मुताबिक वो इतने नज़दीक थे आसफ़ जरदारी के अब जो वो आपको नज़र नहीं आती है तो इसकी वजह भी यही है कि दोनों के दरमियान शायद कुछ मामल मुख्तलफ़ हैं मैंने तमीज जो बांध दिया सारी वो बांध दिया वाज़ा श शमसुल्हसन की किताब भुट्टो ख़ानदान मेरी यादों में वाज़ा श शमसुल्हसन में हमारे इसके ने 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 नेशन के एडिटर मजीद नजामी साहब के भतीजे जनाब आरफ नजामी साहब के बड़े दोस्त थे ये दो दो हद तशरीफ़ लाए थे वहाँ नेशन में आरफ नज़ामी साहब मुझे पसंद तो नहीं करते थे अपने चाचा जान की तरह लेकिन कुछ ऐसी नागजीर मजबूरियाँ थी दोनों चाचा की भी और भतीजे की कि ये मुझे निकालते भी नहीं थे जल्दी नौकरी से तो जब गुफ्तु अंग्रेजी वगैरह किसी किसी बंदे से करनी होती थी तो ये मुझे फिर कहते थे कि तुम इससे इंटरव्यू करो तुम इससे ये करो तुम इसका फॉर्म करवाओ तुम इसका ये करो क्योंकि बाकी इला माशा जो थे वो मुझसे भी गए गुजरे थे और ख़ास मतलब दीनी मदारस के जो थे तलबा उनको इन्होंने अखबारों के डिप्टी एडिटर भी बनाया कुछ किया चलिए वो जो उन्होंने किया भुगत लिया सारी दुनिया के सामने ही हाथ कंगन को आरसी किया अच्छा वाजुल शमसन से मेरी दो मतबा तफसली बातचीत हुई जब ये हाई कमिश्नर थे हाँ यू के में आपको पता है बड़े मशहूर साफ़ी थे इन्होंने ये डेली मेल्स के भी डेली न्यूज़ के हाँ जी एडिटर रहे हैं और बड़े दबंग कसम के साफ़ी भी हुआ करते थे फिर ये नज़दीक आए इसके मोहतरमा बेनजीर के तो इनको वहाँ ले जाया गया इनको फिर हाई हाई कमिश्नर लगे इन्होंने वो जो रिकॉर्ड गायब हुआ था स्विट्ज़रलैंड वाला वो उसमें भी इन्होंने ख़ासी मदद की थी पीपल पार्टी की और ये ए, उनके मोहतरमा के बहुत करीबी हलकों में समझे जाते थे उनकी किताब अभी आई है भुट्टो ख़ानदान मेरी यादों में अब पहले तो ये मफरूर से मैंने सुना था अब कि ये भाव जब ये हुकूमत हटी है इसकी ज़रदारी की तो ये पाकिस्तानी आए थे इनको तलब भी किया गया था आप पता नहीं कैसे पाकिस्तान में ये कहाँ हैं बारे किताब है इनकी वो तो आई हुई है इस किताब में उन्होंने जो तो डील थी ना जनरल के साथ बेन भुट्टो ने की उसका कोई नया इंकशाफ नहीं किया जनरल जहाँ ईद गुर साहब जो थे उन्होंने मुझे पाँच छः इंटरव्यूज़ में कहा था उसने कहा कि यार ये सारी डील कंडोल राइस ने करवाई थी जो उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर थी तो आप बाकी जो मर्ज़ी कहते रहे ये इनकी क्या औकात है बेचारों की जरूरफ नहीं मान रहा था वो कह रहा था कि इसका सैनिटर बनाऊँगा मैं बेनज़ीर को उस उसने ये कह दिया था कि ए, मतलब आसफ़ जरदारी हमें कबूल है लेकिन बेनज़ीर हमें कबूल नहीं है यही वजह जब बेनज़ीर पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त इनको आते जो सलामी दी गई थी कराची में ही वो यही वार्डिंग थी लेकिन बड़ी दलेर औरत थी यार मुझे तो बाबा ऐसा लगता है वो भुट्टो से भी ज़्यादा औरत थी क्या मज़ार है तिड़की और एक लम्हे के लिए बड़ी दलेर औरत थी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया बहादरी को दुश्मन की भी हो तस्लीम करना चाहिए अच्छा इस किताब में सिर्फ एक बात है जो उन्होंने जो बाकी सब ने दामना है रहमान मलुक को मशकूक बनाया और असफ़ाजी को लेकिन जो पॉइंट उन्होंने दिया वो बड़ा ज़बरदस्त है वो कहते हैं जी कि मैं उस वक़्त था जब ये स्कॉटलैंड लैंड यार्ड को बुलाया ना इन्होंने यहाँ जदारी दौर में तफ्तीश के लिए तो वो कहने लगे कि मैं उस वक़्त था अदर लंदन में तो मेरा रबता होता था इनसे स्काट यार्ड से तो जब स्कैटलैंड यार्ड ने रिपोर्ट बना रहे थे तो मैं उनसे मिलता था तो मुझे उन्होंने बताया गया कि जनाब हमें टास्क ये नहीं दिया गया कि बेनजीर को किसने कतल किया है ना 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 हमें टास्क ये दिया गया है कि बेनजीर को किस हथियार से क़त्ल किया गया अब मैं आपको एक बज़ी मज़े की बात बताऊँ वक्त चैनल में में हमने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के तीसरे दिन ये प्रोग्राम किया था इस पर मैं एंकर भी मैं था राइटर भी मैं था प्रोग्राम की सारी वो डायरेक्टर भी समझिए मैं था अबासी था हमारा प्रोड्यूसर बेचारा पता अबासी था हमने प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में हमने साबित किया कि बेनजीर की मौत वो जो शीशे के ऊपर वो जो है वो ता, वो लाख जो था उसके उनके सर में लगने से हुई थी मौजूद है अगर आप तलाश करें तो मिल जाएगा कई लोग मौजूद हैं इस वक्त जो वक्त चैनल के कई चैनल में काम कर रहे हैं वो आपको बता देंगे आपके इस भाई ने सबसे पहले नतीजा निकाला क्यों था कि उस वक़्त तक तीसरे दिन तक ना वहाँ अब वो धुलाई तो हो चुकी थी जगह की लेकिन उनके कोई जानबाज मंडला रहे थे तो तलाश में रहते थे कोई साफ़ी मिली तो उसको असल बात बताएँ एक एक बंदे ने पिंडी के जिनकी ड्यूटी थी बेनज़ीर की गाड़ी के साथ लटकना उनके बॉडी गार्ड थे मुझे बताया था ये कतर रहमान मलिक ने कराया आसफ आसफारी ने कराया है मैंने अल्लाह को जान देनी है और कोई किताब नहीं ऐसी चाहे वो पीपल पार्टी को हमैती लिख रहा है या उसका मुखालब लिख रहा है जिसमें इन दोनों को टारगेट ना किया क्या बगाड़ लिया इनका कुछ भी नहीं आया ऐसी बातों में क्या होता है इन्होंने भी वाजह वाजोरसन कहते हैं कि यही नतीजा जो मैंने उस तीसरे दिन निकाल दिया था वो इन्होंने निकाला जी यही वो जो कलम्प था उसका लगा उनके सर में उससे उनकी मौत हुई थी जिस पर वो बड़े सीख पा हुए कि इतना पैसा मुल्क का बर्बाद किया गया सिर्फ इसलिए बजाय इसके कि कत्ल के मरक़ात के आते किसने कत्ल किया कौन कातल है इस इस काम के नीस काट ले तो पता लगा कि ये शरगमों से मिट्टी झाड़ने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया था असल में और सबको पता था हमें तो तब भी पता था कि ड्रामा है आज उन्होंने बहुत बड़ा इनकशाफ नहीं कर दिया उन्होंने उस ज़माने में इंटरव्यू दिए थे ना उसको स्काई चैनल को वो जो है जब स्काई चैनल की उसने पूछा था कि आप रिपोर्ट से मुतमिन तो उनका तो बिल्कुल मतमिन नहीं क्योंकि मेरे नज़दीक फजूल है ये काम जो हुआ है इसमें तो पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं उसमें निकला क्या है अब बात यह है कि वाद शमशुलसन ने भी ये इल्ज़ाम जो है वह लगाया है ब्रजरदारी पर और रहमान मलक पर लेकिन क्या फ़र्क़ पड़ेगा क्या फ़र्क़ पड़ेगा व मैन अलमबी कराम को तर्ज़मे के साथ जानिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक के सफर में हमारे साथ ही बने आपका बहुत शुक्रिया